हेलो फ्रेंड्स, तो जो 3 जनवरी और 6 जनवरी को आरपीएससी ने पेपर लिया है उसमें तो 10 में से 3 क्वेश्चन साइंस के 10 क्वेश्चन आए हैं। 10 में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो भौतिक विज्ञान की यूनिट से आए हैं और इन्हीं प्रश्नों पर आधारित मैंने 2 छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूँगा और इस वीडियो को पूरा देखें। और हो सकता है अगर 9 जनवरी का पेपर भी इसी पैटर्न पर छपा तो आपके प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो से हल होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जो पेपर हो रहे हैं उनमें फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 3 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन था संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक। और 6 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए गतिज ऊर्जा से रिलेटेड। अब इन्हीं को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं भौतिक राशियां में उनके मात्रक, जिसमें सबसे पहली भौतिक राशि हम जो डिस्कस कर रहे हैं दूरी। दूरी, अब मात्रकों की 2 पद्धतियां इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो तीसरी पद्धति भी होती है एक FPS, लेकिन जो 2 पद्धतियां हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक तो MKS, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। तो MKS, एम यानी मीटर, के यानी किग्रा किलोग्राम और एस यानी सेकंड। उधर देखे तो वो CGS पद्धति है, CGS, सी यानी सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम और एस यानी सेकंड। सी सेंटीमीटर को शो कर रहा है, जी ग्राम को शो कर रहा है और एस सेकंड को शो कर रहा है। दूरी, सबसे पहली भौतिक राशि मैं उठा रहा हूं दूरी। दूरी जो है वो मीटर में मापी जाती है, तो दूरी का मात्रक मीटर। अभी पहले MKS पद्धति क्लियर कर लेते हैं फिर CGS पद्धति देखेंगे। दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है। फर्क क्या है दोनों में, दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दोनों में फर्क, अदिश राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। दूरी भी मीटर में और विस्थापन भी मीटर में ही मापा जाता है। दूरी को भी हम मीटर में मापते हैं और विस्थापन को भी मीटर में ही मापते हैं। जो फर्क है वो दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश। चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल का सूत्र दूरी बटे समय। अब MKS पद्धति में देखो दूरी किस में मापेंगे, मीटर में। दूरी मापी मैंने मीटर में और समय किस में मापेंगे, सेकंड में। तो चाल का सूत्र था दूरी बटे समय। MKS पद्धति में दूरी मीटर में और समय सेकंड में, यानी मीटर बटे सेकंड। बटे को हम प्रति बोलते हैं तो मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। चाहे यूं लिख दें या यूं लिख दें, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का अगर हमारे से मात्रक पूछता है तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें वेग की, तो दूरी और वेग में वही फर्क है, चाल और वेग में वही फर्क है जो दूरी और विस्थापन में था। दूरी अदिश थी, विस्थापन सदिश था। चाल अदिश है, विस्थापन सदिश, वेग सदिश है। चाल का सूत्र दूरी बटे समय और वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में।
समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो जो मात्रक बनेगा वही मीटर प्रति सेकंड, लेकिन फर्क क्या होगा? ये अदिश और ये सदिश, ये अदिश और ये सदिश। तो त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, सूत्र थोड़े लर्न करने अपने को। त्वरण का, त्वरण का सूत्र वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वेग, वेग क्या था? वेग था मीटर बटे सेकंड, ये तो वेग लिख दिया मैंने मीटर बटे सेकंड। फिर बटे में भी समय है, तो समय का मात्रक सेकंड। वापस क्लियर कर लें, वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो ये तो मैंने लिखा है वेग मीटर बटे सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, तो ये बन गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति वर्ग सेकंड भी बोल सकते हैं, वर्ग स्क्वायर को ही बोला जाता है। तो वेग का मात्रक क्या था? मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड वेग हो गया। समय का मात्रक क्या है? सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक बन गया। अब संवेग क्या होता है? संवेग होता है संहति इंटू वेग, संवेग यानी संहति इंटू वेग, संहति इंटू वेग। संहति क्या होता है? संहति बोलते हैं द्रव्यमान को, संहति बोला जाता है द्रव्यमान को, यानी द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, संहति इंटू वेग, संवेग, संहति इंटू वेग, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान को मापना है किसमें? किलोग्राम में, कि ग्राम। द्रव्यमान को मापना है किसमें? किलोग्राम में। तो द्रव्यमान माप लिया किलोग्राम में, इंटू वेग क्या है? वेग मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो अब संवेग क्या बन गया? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये बन गया हमारे पास संवेग का मात्रक। अब बात आती है बल की। बल का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान किस में मापना है? किलोग्राम में। तो द्रव्यमान माप लिया किस में? किलोग्राम में। त्वरण, त्वरण हमने यहां डिस्कस किया था, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास बल का मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो इस प्रकार हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्लियर कर लें, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक भी मीटर, चाल, चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी किस में मापनी है? मीटर में। समय किस में मापना है? सेकंड में, यानी मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, बटे को प्रति बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है वेग, वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन किस में मापा? मीटर में। बटे समय किस में मापा? सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। फर्क क्या है? चाल अदिश, वेग सदिश। फिर आया त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो वेग बटे समय। वेग का मात्रक क्या था? मीटर बटे सेकंड,
समय का मात्रक क्या है, सेकंड, यानी मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक बन गया। अब आया संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, संहति इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है बल, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान किसमें मापना है, किलोग्राम में, त्वरण का मात्रक हमने ऊपर डिस्कस किया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बन गया बल का मात्रक, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। अब सीजीएस पद्धति क्या है, बस सीजीएस में मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देना है, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख देना है, और सेकंड का सेकंड रहना ही रहना है, बस इतना ही फर्क है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा। जैसे इसको देखें हम लोग, तो यहां लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहां आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्लियर। तो उस मीटर की जगह हमने सेंटीमीटर यूज करने, किलोग्राम की जगह हमने ग्राम यूज करने, और सेकंड सेकंड ही है। अब एक लास्ट मात्रक वो देखें हम, कार्य का, कार्य, कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्यग्राम, कार्य मोटा मोटा देखें हम तो कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब इसका मात्रक देखें, बल का मात्रक क्या था, न्यूटन नहीं लिखना है सीधा, हालांकि न्यूटन लिख सकते हैं, मात्रक क्लियर कर दूंगा सारे, लेकिन अपने बल का पूरा मात्रक लिखना है, पेपर में जो पूछा जाता है, बल का पूरा मात्रक यह आया था किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का जो मात्रक था किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन है। अब ये तो बल का मात्रक लिखा है मैंने, देखो आप, ये बल का मात्रक है, बल क्या था, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान किसमें मापा, किलोग्राम में, त्वरण क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो यह बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक जब आएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा उसका, यह आएगा जैसे बल, बल का दूसरा मात्रक हम लिखे तो न्यूटन, इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी हो सकता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, पूरा मात्रक लिखते हैं अगर बल का तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर अगर छोटा मात्रक यूज करते हैं तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन, और विस्थापन का जो मात्रक है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को या इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को एक ही बात है, हम जूल कहते हैं। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल, कार्य आ जाए चाहे ऊर्जा आ जाए, मात्रक जूल, और जूल जो होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर, या तो आएगा न्यूटन इंटू मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम जूल कहते हैं। थैंक यू।